We are bare market apps, Phoenix on a cyber. So hey guys, this is your host Deshwalgan. I welcome you all to my YouTube channel. वीडियो रिकॉर्ड करने का इरादा था नहीं, क्योंकि मैं घर से बाहर भी था और अभी जो काइंड ऑफ बैकग्राउंड भी आपको अलग दिख रहा होगा और आवाज़ भी काफ़ी आ रही होगी. सो दिस इज़ नॉट ए आइडियल वे टू रिकॉर्ड ए वीडियो, बट आई थिंक जो अभी रिसेंटली जो इंसिडेंट हुए उसके बारे में मुझे आपको बताना काफ़ी ज़रूरी था, क्योंकि यहाँ पे नरेटिव अलग अलग टाइप के फॉर्म हो रहे हैं. बाइनेंस को जो सू किया है SEC ने, या फिर कॉइनबेस को सू किया है. बाइनेंस US से ऑलमोस्ट 50+ टोकन्स की डील लिस्टिंग हुई है. 60+ टोकन्स के नेम्स अभी आए हैं जो सिक्योरिटीज़ के अंदर आ रहे हैं. तो सबसे पहले आप ये समझो कि सिक्योरिटीज़ क्या होता है, सिक्योरिटीज़ के अंदर कौन कौन से टोकन आ सकते हैं. तो यहाँ पे बाय टेक्निकल डेफिनेशन, जो डेफिनेशन काइंड ऑफ ट्रेडिशनल फाइनेंस में एप्लीकेबल होती है, उसके हिसाब से जो भी टोकन या जो भी प्रोजेक्ट जिसने फंड रेज किया होगा पब्लिक सेल करके या प्राइवेट सेल करके, वो कहीं ना कहीं सिक्योरिटीज़ के अंदर आ सकता है. तो अभी आपने 60+ नाम सुने होंगे. आगे जाके जो टॉप 200 प्रोजेक्ट है उसमें से आपको 90% जो प्रोजेक्ट है वो सिक्योरिटीज़ के अंदर दिख सकता है. बट सिक्योरिटीज़ में आने की बात क्या, सिक्योरिटीज़ में अगर SEC कंसिडर कर रहा है तो उसका मतलब क्या है. तो यहाँ पे सीन ऐसा है कि उन्होंने जब फंड रेज किया था तो वो जो सिक्योरिटीज़ को रजिस्टर नहीं किया था तो अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी के अंदर आ गया. तो यहाँ पे केस बनेगा. सबसे पहले सू करते हैं फिर केस बनाते हैं. बाइनेंस के ऊपर भी केस बन रहा है. सो बाइनेंस के ऊपर जो केस बना है, सिमिलरली केस जो है बिटमैक्स के ऊपर भी बना था, बैंक सिक्रेसी एक्ट के अंदर और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर 2019-2020 के अराउंड केस चला था. वहाँ पे भी समन वगैरह गया था उसके फाउंडर के पास, उसको कोर्ट में प्रेजेंट होना पड़ा था. पूरा केस प्रोसीडिंग चली थी और फिर सेटलमेंट हुआ था और कुछ फाइन पे करना पड़ा था. एग्जैक्टली अमाउंट मुझे भी याद नहीं आ रहा, 40 या 50 मिलियन डॉलर के आसपास वो फाइन था, उन्होंने पे किया और केस सेटल हो गया. सो इस टाइप के प्रीवियसली कुछ केसेस ऑलरेडी हो चुके हैं. सबसे पहले जो किसी टोकन के ऊपर केस किया था, उस टोकन का नाम था लाइब्रेरी क्रेडिट, उसका जो टोकन नेम है LBC है. तो SEC ने सबसे पहले उसके ऊपर केस किया था. उसके अलावा कई सारे ICO होते हैं उनके ऊपर भी केस चले थे. तो ये जो केस हुए उसमें 70-80% जो केस हुए हैं वो सेटल हुए हैं. XRP का केस काफ़ी टाइम से चल रहा है, काफ़ी बड़ा केस है, अभी तक वो सेटल होगा नहीं, वो डिफरेंट स्टोरी है. बट LBC का केस भी 2 साल चला था, $23 मिलियन का फाइन की बात हुई थी, फिर $110 के आसपास वो फाइन सेटल हो गया था, क्योंकि कंपनी के पास इतना पैसा था नहीं. SEC मान गई, उन्होंने कम फाइन देके सेटल कर दिया. तो कहने का मतलब यहाँ पे कि जितने भी सिक्योरिटीज केस हुए तो उसमें जो अच्छे प्रोजेक्ट है वो लड़ेंगे, सेटलमेंट होगा, जो भी फाइन होगा उनको पे करना पड़ेगा, उसके बाद उनको रजिस्टर करना पड़ेगा. तो नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है, ये पहला स्टेप है कि उनको सबको कॉल आउट कर दिया गया है और भी कॉल आउट किया जाएगा कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है वो सिक्योरिटीज के अंदर आ रहे हैं. और यहाँ पे जो POW बेस्ड प्रोजेक्ट है उसमें स्पेशली मीम कॉइन को भी कंसिडर कर सकते हैं. तो वो भी जैसे डॉज कॉइन सिक्योरिटी के अंदर नहीं आ रहा, डॉज कॉइन ने कोई फंड रेज नहीं किया था. हो सकता है शिबा कॉइन भी सिक्योरिटीज के अंदर नहीं आया, शिबा कॉइन ने भी कोई फंड रेज नहीं किया था. सो यहाँ पे इट इज ऑल्सो वेरी मच पॉसिबल कि जो कम्युनिटी वाले प्रोजेक्ट है या फिर जो POW वाले प्रोजेक्ट है वो सिक्योरिटी के अंदर नहीं आए बाई टेक्निकल डेफिनेशन, तो उनके लिए अलग से लॉज बन सकते हैं. बट मुद्दा यहाँ पे ये कि रेगुलेशन जो बन रहा है उसमें ऐसा होगा कि एक पहले क्लियरिंग हो रही है कौन से एसेट अच्छे हैं, कौन से एसेट अच्छे नहीं है. और उससे पहले ये डिफाइन कर रहे हैं कि कौन से सिक्योरिटीज के अंदर आते, कौन से कमोडिटी के अंदर आते. कमोडिटी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली बिटकॉइन, LTC, बिटकॉइन कैश, ये सब आएगी. जो POW वाले प्रोजेक्ट है वो कमोडिटी के अंदर आ सकते हैं. और सिक्योरिटीज़ के अंदर जो आप प्रोजेक्ट आया उस पर जिनको अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटीज़ का नोटिस गया है, जिनको सू किया गया है, जिनको ऊपर केस बन रहा है, उसके बाद में उनको सेटल करना पड़ेगा. और सेटल करने के बाद एक फाइन पे करने के बाद उनको रजिस्टर करना पड़ेगा. जब भी उनका नया रेगुलेशन बिल वगैरह पास होगा उसके बाद उसके अराउंड उसके हिसाब से उनको रजिस्टर करना पड़ेगा. फिर उसके अराउंड और उसके अकॉर्डिंग उनको ऑपरेट करना पड़ेगा US. सिमिलरली US एक्सचेंज के ऊपर भी वो सेम रूल एप्लीकेबल होगा. बट यहाँ पे कॉइनबेस का जो स्टोरी वो डिफरेंट है. बाइनेंस को तो उन्होंने सू किया है और बाइनेंस का तो काफ़ी टाइम से डेवलपमेंट चल ही रहा था, 2 साल से वो पीछे पड़े हुए, तो फाइनली उन्होंने काइंड ऑफ चार्ज लगा लिए. कॉइनबेस का स्टोरी डिफरेंट है. कॉइनबेस वाले आगे से पीछे पड़े थे. SEC को उन्होंने काफ़ी बार, इवन 8-9 महीने पहले भी उन्होंने अपील की थी, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी. उन्होंने बोला था कि हमको रेगुलेशंस का पाथ बताओ, हमको किस टाइप से रेगुलेट करना है, क्योंकि वो तो पब्लिक लिस्टेड कंपनी है. उसको उन्होंने सडनली जो सू किया है वो एक काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग है. और उसके ऊपर अभी 7 दिन के बाद कोर्ट हियरिंग होने वाला है. कोर्ट ने डायरेक्टली नोटिस भेजा है SEC को कि उन्होंने अगर पहले पेटिशन डाला था रेगुलेशंस के बारे में बताने के लिए तो आपने क्यों नहीं बताया था, डिले क्यों किया. तो आपको 3-4 सवालों का आंसर देना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा कि क्या रीज़न है कि आपने इतना टाइम क्यों लगाया रूल बनाने में और अभी क्यों सू किया है. सो इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. जो SEC कॉइनबेस का केस है वो थोड़ा सा वीक है मेरे हिसाब से. SEC वहाँ पे वीक पोजीशन पे है. अगर वहाँ पे SEC की हार होती है तो ये काफ़ी ज़बरदस्त हो सकता है क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए और एक सेटबैक हो सकता है SEC के लिए. एट द सेम टाइम आप एक और चीज़ आपको ये देखनी पड़ेगी कि कांग्रेस में एक और बिल के ऊपर बात चल रही है. वो बिल क्रिप्टो के ऊपर काफ़ी अच्छा है,
तो उसका भी आगे जाके काइंड ऑफ जब वो एक्ट बनता है या फिर पार्लियामेंट में जाता है जिस टाइप से, उस पर चीज़ें होती तो उस पर क्लियर रेगुलेशंस की पॉलिसीज बने, क्लियर लिस्टिंग फ्रेमवर्क बनेगा, क्लियर लाइसेंसिंग होगी और वहाँ पे सिक्योरिटीज कॉमोडिटी की डेफिनेशन भी क्लियरली डिफाइन होगी। सो अल्टीमेटली अभी जो है केओस बन है और शॉर्ट टर्म केओस है, बट यहाँ पे इस केओस के कई लोग ऐसे फायदा उठा रहे हैं, जैसे बिटकॉइन मैक्सी वो फायदा उठा रहे हैं कि यार अभी सारे शिटकॉइन है, वेब थ्री के अंदर जो हो रहा है सब शिटकॉइन है, बिटकॉइन को ही आगे जो है वो सर्वाइव करेगा, बिटकॉइन ही लिस्ट होना चाहिए, बिटकॉइन ही ट्रेड करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला भाई। वेब थ्री के अच्छे कॉइन ट्रेड करेंगे, जैसे हांगकॉन्ग की जो आपने लिस्टिंग फ्रेमवर्क देखा है उसको आप देख सकते हो, हांगकॉन्ग में जो लिस्टिंग हुई है आगे जाके और होने वाली वो देख सकते हो, हांगकॉन्ग की लिस्टिंग फ्रेमवर्क मैंने अलग से वीडियो बनाया उसको समझ सकते हो। तो लिस्टिंग फ्रेमवर्क बनेगा, ड्यू डिलीजेंस होगा, ये डिफाइन किया जाएगा कौन से प्रोजेक्ट अच्छे हैं कौन से प्रोजेक्ट अच्छे नहीं है, बेस्ड ऑन फंडामेंटल, बेस्ड ऑन ऑन चेन जिस पर मैं हमेशा फोकस करता हूँ उसके हिसाब से लिस्टिंग होगी। तो हो सकता है कॉइन बेस पे अभी जैसे 100 प्लस कॉइन्स हो तो आगे जाके 20 ही रह जाए, बट वो 20 अच्छे हो गए उसका इसका ऐसा नहीं कि खाली बिटकॉइन लाइट कॉइन 3-4 ही रहेंगे, कई सारे POS बेस्ड भी रहेंगे, कई सारे वेब थ्री के कॉइन्स भी रहेंगे, वो सब रहने वाले हैं। तो अभी जो ये सिक्योरिटीज़ का सीन चल रहा है, अभी जो केसेस चल रहे हैं उससे डरने का नहीं है, आपको ये फोकस करना चाहिए कि आपको स्टडी करना आना चाहिए। अल्टीमेटली इट इज़ मोर अबाउट कि यू शुड नो कि कहाँ पे फंडामेंटल किस टाइप से काम कर रहा है, ऑन चेन डेटा क्या होता है, और लाइक जो भी टोकन है उनको कंपनी की तरह देखना स्टार्ट करो, क्योंकि जो कंपनी के शेयर्स होते हैं वो भी सिक्योरिटीज़ के अंदर आते हैं, उस तरह से देखना स्टार्ट करो, उस लेंस से देखना स्टार्ट करो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो कि किस टाइप से टोकनॉमिक्स काम कर रही है, किस टाइप से वो प्रोजेक्ट ग्रो कर रहा है, उसका रोड मैप क्या है, उसका माइलस्टोन उन्होंने क्या अचीव किया, ऑन चेन डेटा क्या बोल रहा है, रेवेन्यू कितना अर्न हो रहा है। तो वैल्यूएशन मॉडल जितना समझ पाओगे ना उतना आपके लिए फायदेमंद होगा, उस पर हमेशा से फोकस करता रहो। यहाँ पे समझना ये जरूरी है कि आगे जाके ब्लाइंड इन्वेस्टिंग नहीं होने वाली, क्लियर रेगुलेशन के बाद लिमिटेड ऑप्शंस मिलेंगे, उस पर आपको सब चीज़ें ट्रैक करनी पड़ेगी। जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप कंपनी की रिपोर्ट चेक करते हो, उसी तरीके से आपको टोकन में इन्वेस्टमेंट करने के पहले फ्यूचर में कंपनी उस टोकन के ऑन चेन को समझना पड़ेगा, फंडामेंटल को समझना पड़ेगा। सारा डेटा ऑनलाइन मिलता है इस टाइप से, कई सारे प्लेटफॉर्म से, उसको भी मैं कवर कर चुका हूँ कुछ वीडियोज़ में। तो वो उस चीज़ पे फोकस करना जरूरी है, ना कि ये माइंडसेट बनाना कि सब बेकार है, सब शिटकॉइन है, वेब थ्री खत्म हो रहा है। वेब थ्री कोई ख़त्म नहीं हो रहा, वेब थ्री यहाँ पे रहेगा, मैं भी यहाँ पे रहूँगा, वेब थ्री भी यहाँ पे रहेगा और बिटकॉइन भी रहेगा, सब साथ में एग्जिस्ट करेंगे। ये बिल्कुल सही है कि 99% जो टोकन आज के टाइम में एग्जिस्ट करते हैं वो शिटकॉइन से, वो मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, बट आपको 1% पर फोकस करना है, 1% ढूंढना आपको आना चाहिए। 1% वही प्रोजेक्ट है जो फंडामेंटल जिनके अच्छे हैं और जो एक टाइप से कोई मेजर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और एक काइंड ऑफ बड़ा मार्केट को एड्रेस कर रहे हैं, जिनके फंडामेंटल्स सही है, ऑल चेन सही है और टोकनॉमिक्स सही है, वो आगे जाके सर्वाइव कर सकते हैं और लीगल साइड में भी क्लियरिटी है, वो भी पार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और रही बात रेगुलेशंस की, तो यहाँ पे हर कंट्री का रेगुलेशंस आएगा, US में भी आएगा, हांगकॉन्ग का ऑलरेडी आ चुका है, जापान का काफ़ी पहले आ चुका है, इंडिया का भी आएगा, सबका आएगा। तो बट कॉमन थीम ये रहने वाली कि एक लिस्टिंग फ्रेमवर्क बनेगा, उसके हिसाब से ड्यू डिलीजेंस होगा, ड्यू डिलीजेंस के बाद जो गवर्नमेंट है उनको लिस्ट करेगी, उसके हिसाब से आगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का प्रोसेस चलेगा। तो मेरे हिसाब से नेगेटिविटी से दूर रहो और ट्राई करो कि इस जो भी ये चीज़ें चल रही है इसको समझने की कोशिश करो, इस टाइप के इंसिडेंट पहले भी हुए, पहले भी केसेज हुए, उनको स्टडी करो ताकि आइडिया लगे कि इसका आउटकम क्या होता है। एट द सेम टाइम फंडामेंटल जितना सीखोगे, जितना ऑन चेन सीखोगे, उतना आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी फायदा होगा। वैल्यूएशन मॉडल्स आपको सीखने चाहिए, तो उसके ऊपर कई सारा कंटेंट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हो, वो सीख क्या वो आप देखोगे तो आपको काफ़ी चीज़ों पे काफ़ी क्लियरिटी आ जाएगी। सो दैट इज़ ऑल फॉर माई साइड इन दिस वीडियो। अगर वीडियो में हो सकता है कि आपको कुछ डिस्टर्बेंस आया हो क्योंकि फैन वगैरह की भी आवाज़ आ सकती है, क्योंकि लाइक अगेन मैंने जैसे स्टार्टिंग में बोला कि इट वॉज नॉट आइडियल प्लेस टू रिकॉर्ड ए वीडियो, बट आई थिंक मुझे करना था इसलिए मैंने किया। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आई होप आपको ये वीडियो इनसाइटफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि फ्यूचर में और भी वीडियोस के अपडेट मिलते रहे वीडियो में जल्दी। थैंक यू।